आज का टॉपिक है एल्गी इन ग्लोबल वार्मिंग एंड कार्बन कैप्चर बाय एल्गी। कंटेंट है इसमें देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्लोबल वार्मिंग, माइक्रो एल्गी बायोफ्यूल सिस्टम, कार्बन कैप्चर बाय फोटोसिंथेसिस, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बाय एल्गी, एल्गी ब्लूम्स, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मेन फंक्शन ऑफ एल्गी, प्रिवेंशन। इसमें इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं माइक्रो एल्गी से गायूज बायोमास प्रोडक्शन एवं कार्बन कैप्चर के लिए उपयुक्त होता है। माइक्रो एल्गी से 100% बायोमास प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू CO2 को कैप्चर किया जाता है जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हेल्प करती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा एल्गी ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलती है। कमर्शियल बिल्डिंग होप अपार्टमेंट टैंक में एल्गी को काट कर रखा जाता है एनवायरमेंटल को कंट्रोल करके। इसके बाद हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कुछ गैसों के कारण विश्व के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है जो एक गंभीर समस्या है। इसे कम करने के लिए एल्गी का यूज़ किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित गैसें जिम्मेदार हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इसमें CO2 को एल्गी द्वारा फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर ली जाती है जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हेल्प करते हैं। पूरे विश्व में 50% फोटोसिंथेसिस एल्गी के द्वारा होता है जिसमें CO2 की मात्रा में काफ़ी कमी होती है। माइक्रो एल्गी बायोफ्यूल सिस्टम। बायोफ्यूल का प्रोडक्शन एल्गी के द्वारा किया जाता है। इसे एल्गी बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में एल्गी को ग्रेटर माना जाता है। माइक्रो एल्गी से बायोफ्यूल का प्रोडक्शन अधिक से अधिक हो रहा है। एल्गी कार्बन को कैप्चर करते हैं एवं बायोमास का प्रोडक्शन करते हैं। कार्बन कैप्चर के द्वारा एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जाता है जिससे इसमें बाइकार्बोनेट आयन जो लैंड में प्रेजेंट होते हैं इन्हें यूज़ करके एल्गी बायोमास का प्रोडक्शन करती है। इसमें एनवायरनमेंट कंट्रोल के लिए कार्बन को कैप्चर किया जाता है। एल्गी कार्बन कैप्चर तब करता है जब लैंड में बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होती है। एल्गी के द्वारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया जाता है। एल्गी के द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन गैस जो इको फ्रेंडली बायोफ्यूल होते हैं जिनके यूज से CO2 की कम मात्रा एनवायरनमेंट में निकलती है जो CO2 की मात्रा को कम करने में मदद करती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होता है। एल्गी द्वारा इथेनॉल का भी बायोफ्यूल का प्रोडक्शन किया जाता है। ऑयल एवं बायोमास का एल्गी पॉन्ड में रेंज 20,000 से 60,500 लीटर्स पर ईयर होता है। कार्बन कैप्चर बाय फोटोसिंथेसिस। कार्बन कैप्चर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा होता है। इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए बाइकार्बोनेट आयन की आवश्यकता होती है जो CO2 गैस का नॉन गैसियस फॉर्म होता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के माध्यम से अधिक कार्बन कैप्चर किया जा सकता है। कार्बन कैप्चर बाय एल्गी। एल्गी से कार्बन कैप्चर करने की प्रोसेस एल्गी फिजियोलॉजी, पॉन्ड केमिस्ट्री एंड टेम्परेचर के आधार पर डिफरेंट टाइप से किया जाता है। कार्बन कैप्चर की प्रोसेस डार्क में संभव नहीं है, इसे डे में ही किया जाता है। यह एल्गी कार्बन का कैप्चर कर अधिक से अधिक बायोमास का प्रोडक्शन करते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बाय एल्गी। कार्बन के कैप्चर के लिए बहुत से एलिमेंट जैसे आयरन आदि को डेवलप किया गया है जिससे कार्बन को कैप्चर कर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश की जा रही है। कुछ हार्मफुल एल्गी हैं जो
ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में मदद करते हैं तथा जो यूज़फुल एल्गी हैं वह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हेल्प करते हैं। एल्गी ब्लूम्स, एल्गी ब्लूम्स हार्मफुल एल्गी को एल्गी ब्लूम्स कहलाते हैं जो मरीन एंड फ्रेश वाटर सिस्टम हैं। एल्गी ब्लूम्स इकोलॉजी में एल्गी ब्लूम्स ठीक एवं टॉक्सिक होते हैं। यह सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अधिक से अधिक एल्गल ब्लूम्स को प्रमोट करते हैं जो एल्गी ब्लूम्स को प्रमोट करते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे रेनफॉल में भी चेंजेस हुए हैं। इनमें सी लेवल में वृद्धि हुई है तथा क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अनेक स्किन डिसीज उत्पन्न हुए हैं। मेन फंक्शन ऑफ एल्गी, एल्गी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का एक बड़ा ग्रुप है। यह सनलाइट को फूड एवं एनर्जी में कन्वर्ट करने के योग्य रखता है। एल्गी अदर ऑर्गेनिज्म की अपेक्षा ऑक्सीजन का मेजर सोर्स होता है। यह एल्गी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर फोटोसिंथेसिस करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में हेल्प करते हैं तथा यह कार्बन को कैप्चर CO2 को कैप्चर करते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हेल्प होती है। प्रिवेंशन, एल्गी कल्चर के थ्रू एल्गी के प्रोडक्शन को बढ़ाकर CO2 की मात्रा को कम करने के लिए एक मेथड यूज़ में ली जाती है फोटो बायोरिएक्टर कहते हैं। जब गैस वाटर में मिक्स्ड होती है तो इसे ट्यूब में इंजेक्ट कराकर कृत्रिम तरीके से एल्गी में एब्जॉर्ब कराया जाता है जिससे फोटोसिंथेसिस हो सके।